राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यूपी सरकार ने एक शानदार मौका दिया है, जिसके आवेदन 28 जुलाई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त तक जमा किए जा सकेंगे, जिसमें आवेदन करने से पहले आपको रिक्रूटमेंट डिटेल्स ध्यान से पढ़ने होंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत यूपी में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कुल 797 भर्तियां निकाली हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टल भरी जाएंगी। सफल उम्मीदवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए सब हेल्थ सेंटर लेवल HWC में CHRO के रूप में तैनात किया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से BSc नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट के इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ या पोस्ट बेसिक बेस्ट से नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट के इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ कोर्स किया होना चाहिए। इसके अलावा यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवार की उम्र 17 अगस्त 2021 को 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NHIM UPCHRO भर्ती 2021 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnhrim.gov.in पर जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।